हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे व्लॉग्स मिस हो जा रहे हैं, तबीयत ख़राब हो गया इसीलिए। और तबीयत जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। फीवर तो कम गया है लेकिन खांसी जो है वो एकदम पहले जैसी थी वैसी अभी भी है। तो इसके लिए फिर से कल एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो इसके बाद इन्हेलर जो होता है ना वो दिया है डॉक्टर ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब खांसी की जो सिरप है और मेडिसिन है एंटीबायोटिक वो सब काम नहीं कर रही हैं, तो अब मुझे इन्हेलर लेना होगा। तो कल रात से ही शुरू की हूँ और अभी एक बार फिर लेने जा रही हूँ। चलिए आपको वही दिखाते हैं। अब व्लॉग में और क्या दिखाऊँ, दिन भर सोई रहती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, टाइम टाइम से खाना और खूब सारी दवाइयाँ। तो सोची चलो जो है एटलीस्ट अब ये इन्हेलर का ही आपको दिखा दूँ, छोटा सा एक ब्लॉग बन जाएगा, आप लोगों को अपडेट भी मिल जाएगा। फिर देखती हूँ कल कुछ ना कुछ और ज़रूर बैठ के आप लोगों से थोड़ी सी बातें ही कर लूँगी। एटलीस्ट ब्लॉग में सोने से तो अच्छा है डेली बात कर लूँ थोड़ा थोड़ा। आइए देखते हैं और बस उसी के बाद ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। ये देखिए इस तरह का कुछ बॉक्स है, इसमें एक पाउच में वो इन्हेलर की जो मशीन होती है ना वो दी गई है। मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लग रहा था, मैंने डॉक्टर से पूछा भी कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार यूज़ करूँ तो फिर हमेशा के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये खांसी जो है बंद ही नहीं हो रही है ना, तो उसके लिए मुझे ये इन्हेलर यूज़ करना पड़ेगा फ़िलहाल कुछ दिनों तक। और ये देखिए इस तरह की कैप्सूल्स है जिसमें पाउडर भरा हुआ है, और ये कैप्सूल को ही मशीन में डालना है। देखिए कुछ इस तरह से ये सब कुछ, मुझे तो उतना आता नहीं था, आदि ने सिखा दिया था कल रात को, तो अभी मैं खुद से कर पा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ स्पेस बना, इसमें डालना है कुछ इस तरह से, और इसके बाद इसको बंद करना है। और इसको बंद करते ही एक सुई सा इसमें आएगा और उसमें छेद हो जाएगा कैप्सूल में। देखिए फिर क्या होगा कि जब हम इसको अंदर इन्हेल करेंगे तो उस कैप्सूल के अंदर का सारा जो पाउडर है वो अंदर चला जाएगा। और इसको कुछ 10 सेकंड तक होल्ड करना है, इसके बाद निकाल देना है, बस यही है। तो अब देखूं कल से स्टार्ट की हूँ इसको करना, अब इससे फ़ायदा होता है कि नहीं देखा जाए। उम्मीद है ये काम कर जाएगा और खांसी ठीक हो जाएगी। चलिए फिर कल मिलती हूँ।